मीडिया के चेयरमैन भाई प्रदीप जैन जी, भाई ललित कुमार जैन, स्वागत राय जी तो आए नहीं यहाँ? अच्छा अच्छा, सुमित्रा जी, मुकेश गोयल जी, मुकेश गढ़वी जी, अमरदीप हीरा मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और सभी मित्रों, आज समय की किल्लत है, लेकिन आपका आग्रह था, इसलिए आप सब लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला। जैन साहब ने संक्षेप में और सारगर्भित तरीके से जो बातें रखी हैं, वो सही में गंभीरता से विचार करने की सब बातें हैं। तो जैन साहब को कहीं से या किसी व्यक्ति ने या समूह ने यह बताया कि हमारी कोई टेढ़ी निगाह है? ना, हम सिर्फ न्याय का और न्याय की जो समदृष्टि है उसमें किसी समाज के किसी हिस्से को तकलीफ ना देकर के सुकून देने का है। अब ये जो 3 महीने का समय है, ये अपने देश की बदकिस्मती है कि ये पैसा बटोरने का सिलसिला है। और ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता है, वो आपके धंधे में ही नहीं, वो इस देश में कहीं नहीं है। कहा जाता है, कहा जाता है, मैं भी मानता हूं कि इस देश में शहरीकरण बढ़ेगा और इस सारी दिक्कत के बावजूद ये शहरीकरण, मेरा ये कहना है कि जो इसमें सबसे ज्यादा, आप तो पिस ही रहे हैं, आप तो दिक्कत और किल्लत में हैं ही, लेकिन जो सदियों से जिसके बाप दादे जिस खेत में उसकी हड्डियां गल गई हैं, वो इससे इन सारे रास्तों से जैसे तंग और तबाह है, तो आप तो थोड़ा बहुत गाड़ी है, घोड़ा है, पढ़े लिखे आदमी हैं, जूझ लेते हैं, लड़ लेते हैं।
लेकिन वो तो बेजवान है, ना खेत बोलता, ना बाय बोलती, ना भैंस बोलती, पेड़ नहीं बोलता, जंगल नहीं बोलता। और जब आदमी जब बोलता नहीं है तो फिर उसकी बुद्धि जाम हो जाती है। इसी तरह सदियों से देश में जो इस काम में लगे हैं वो बोले ही नहीं हजारों साल से, तो उनकी एक भारी तकलीफ है। अब वो उससे ज्यादा दूसरा धंधा नहीं जानते। खेत से बाहर जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं किया है। अब दिल्ली के आसपास जो है वो मैं बरसों से यहाँ रहता हूँ, मेरी ससुराल भी हरियाणा में है, तो मुझे मालूम है कि जो बिल्डर्स की आपने तकलीफ बताई, मैं उस तरफ भी मेरी निगाह है कि उसकी कितनी तकलीफ है। वो उस खेत को छोड़कर के दूसरा धंधा ही नहीं जानता, और उसको लैंड का जो जमीन का मुआवजा मिलता है, तो आजकल तो जो नई पीढ़ी उसके यहाँ भी जो पैदा हो रही वो पूरी चमक दमक से ऐसी प्रभावित हो जाती है कि वो मौज मस्ती में उसको उड़ाती है। मुश्किल से 5 या 10% लोग जो है वो कोई दूसरे या कोई तीसरे रास्ते से सरवाइव करते हैं, मकान बना के किराए पर चलते हैं। और दिल्ली के आसपास जितने गांव हैं उनमें जाओगे तो लोग जो है वो ताश खेलते मिलेंगे आपको। तो मेरा कहना है कि एक पक्ष वो है जो कठिन पक्ष है। फिर एक और संकट है कि इस देश में दुनिया का सबसे जरखेज इलाका है जो गंगा और जमुना का मैदान है। मैं मानता हूं कि 63 बरस में इस देश में कोई आत्मनिर्भरता आई है तो वो फूड सिक्योरिटी आई है, जिसे लोग तबाह करने पे अभी लगे हुए हैं। आपके बीच में तो उस पर बहस कर नहीं सकते, समय नहीं है। तो जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में है। यानी आप ताज्जुब करोगे कि इस देश में जो गरीबों को अनाज जाता है, हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, फूड मिनिस्टर रहे हैं, फूड सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं, तो 82% पूरा का पूरा जो प्रोक्योरमेंट है वो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी से होता है। अब ये जमीन सीमेंट में जा रही है, यानी सीमेंट इसको परमानेंट बंद कर रही, जो सदियों से पैदा कर रही थी वो बंद है। और आप ताज्जुब मानोगे कि एक गज कपड़ा मिलता है उसमें जमीन ले लेती है सरकार, और फिर टेबल के नीचे से जो बिल्डर हैं आप लोग, उससे वो टेबल के नीचे दुगना तिगना लेती है। अब ये दिल्ली के आसपास जो सरकारें हैं, मैं तो बहुत वर्षों से यहाँ जानता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, और ये जो यहाँ हरियाणा की सरकार चलती है तो वो पूरे सूबे के लिए नहीं है, वो भी फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ यहाँ चल रहे। सरकार का सारा ध्यान क्यों रहता भाई? इसलिए कि वो उससे 2 नंबर का पैसा, सरकार में जो लोग हैं वो सब हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कमाते हैं, और फिर बिगाड़ शुरू हो जाता। ये कई तरह के कठिन रास्ते हैं इसमें से,
आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने ये ट्रांसपेरेंसी का एक प्रस्ताव बनाया है और स्टैंडिंग कमेटी में आपको बुला करके, दो स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास है, उसमें आपको भी बुला करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जयराम रमेश जो हैं और सुमित्रा महाजन जी उस कमेटी की अध्यक्षा है, तो जरूर जो संभव हो सकता है, इंसाफ तो सदियों से हमारे यहां उतरा नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सकता है उतने न्याय को तो उतारने का काम करना चाहिए। और इसमें आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आप क्या किसी के प्रति भी हमारे मन में, हम आपकी दिक्कतों को भी जानते हैं, कई बिल्डर्स जो है वो उनको गहरे से भी जानते हैं। और इस देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे, तो हम लोग उस जमाने में जब चुनाव लड़ते थे तो चंदे वंदे का मामला ही नहीं था, हम सिंबल देते थे और जीतते थे, ऐसी हमारी पार्टी थी, ऐसी पार्टी थी। तो उस समय हमको चंदा मिला था डीएलएफ वालों से, तो चौधरी साहब को दे के गए थे, तो चौधरी साहब ने हमको दिया था, तो हम मतलब वो 10 लाख रुपए मिलाते ऐसा लगता था कि हम बहुत मालदार आदमी हो गए। और पार्टी में हमने उसमें से 5 लाख रुपया दूसरे दिन ही, जो हम जिस तरह हमारी अभाव की जिंदगी है उसमें हमने, अब वो चौधरी साहब को देखे, हमने उनको देखा भी नहीं, मगर हमको चौधरी साहब ने बताया। तो आपके जितने लोग हैं, जब मैं आ रहा था तो कई लोगों ने बताया कि हम यहाँ के, कुछ लोगों ने बताया हम जबलपुर से आए हैं, तो ये पक्की बात है कि जो आपने ट्रांसपेरेंसी का प्रयास शुरू किया है, इसे पूरी ताकत के साथ हम लोग साथ देंगे, समर्थन करेंगे और जितना बन सकता है, जितना हमसे हो सकता है, और कहीं मतभेद हमारा होगा तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा चिंता है वो आने वाले भारत का जो फूड सिक्योरिटी, उसकी चिंता हमारी है। और ये जो बेजवान आदमी है जो बोलता नहीं हजारों साल से, तो इसलिए इसकी हमको चिंता है, और आपकी भी उतनी चिंता करेंगे यदि कहीं इसमें हमारे आपके बीच में विभेद होगा। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका बातचीत से समाधान ना हो, उसको समाधान करेंगे। मैं इतने कहना चाहता हूं कि आपने हमको यहाँ बुलाया और पार्लियामेंट में भी ये बिल तो आएगा, लेकिन अभी तो ऐसा देश में इतने सवाल खड़े हो गए हैं, महंगाई है और भ्रष्टाचार का तो ऐसा हम बीमारी में फंसे के 63 साल में जितना देश आगे बढ़ते जाता है, आज़ादी की उम्र बढ़ती है और ये भ्रष्टाचार, अब बाजार के आने के बाद तो और 3 चीज़ों में है ये, एक दो मिनरल्स में बड़े पैमाने पर इस तरह का लूट मची है, एक आईटी का विस्तार हो रहा था उसमें ये सब चीज़ें आई है, और एक रियल एस्टेट है उसमें ये, तो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें इस सवाल ने पूरे देश को घेर के रखा। तो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो पार्लियामेंट में जो एजेंडा है वो इतना टाइट है, इतना ज़्यादा है कि एक सवाल उठाते हैं दूसरा सवाल आ जाता है, तीसरा सवाल आ जाता है, तो बहस जम नहीं पा रही है।
और ऐसी परिस्थिति कभी कभी देश में आती है। इन सारी परिस्थितियों से हम लोगों को आगे जाना है। वो कौम क्या जिसके सामने चुनौती ना आए। अब ये चुनौतियां हैं इनका, जैसे आपकी चुनौती, आपने अच्छा काम किया, संगठन बनाया, इकट्ठा होकर बात करना शुरू किया, उसमें हमारे जैसे आदमी को भी आपने आमंत्रित किया। हम सबको इस कठिन सारी तरह की चुनौतियों से निपटना है, और जो खराब चुनौतियां सामने हैं उनको डिमोलिश करना है, उनको पूरी तरह से घेर करके ऐसा न्याय संगत समाज खड़ा करना है जिसमें सुकून आए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रयास किया है, जो मैंने सुना है, मैं पूरी तरह से उससे राजी हूं, और आपसे चर्चा करेंगे, और आप भी इंटरेक्शन करिए, रखिए संवाद से ही। अब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लो हम बोल जाते हैं, तब जाते हैं तो किसान बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, लाठी चार्ज कर रहे हैं उस पर, मार रहे हैं उस पर, एक मनवीर तेवतिया है अभी जेल में बंद है, बहुत भला आदमी है, और वहाँ जो है वो 1,500 रुपये में या ऐसा कुछ रुपये में ये एक गज या एक वर्ग मीटर जमीन ले रहे हैं। तो जबकि एक किसान ने कहा कि साहब कपड़ा लेने जाते थे 1,500 में, आजकल अच्छा कपड़ा, और हमारी जमीन जो है वो 1,500 रुपये में ले जा रही है। तो वहाँ जाते थे तकलीफ हो जाती है, उस तकलीफ में हमको कोई एक आध दो नाम पता लग जाता है कि इसने ये किया, इसने ये किया, तो माया को तो हम देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ में कहीं कहीं किसी आदमी का नाम यहाँ भी आ जाता, हो सकता है कि उसका दोष ना हो, लेकिन अभाव है, कम्युनिकेशन गैप है। यानी भारत की इस बड़ी समस्या थी, एक हजारों वर्ष से सेग्रीगेटेड समाज है ये, एक समाज का दूसरे समाज से संवाद ही कम है, ऐसा कहीं दुनिया में देश नहीं है। अब जैसे आदिवासी है, उसे हम जितने इस हाल में बैठे हुए लोग हैं, वो 7 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कोई का संवाद नहीं है। तो संवाद के अभाव में कुछ बातें हो जाती होंगी, लेकिन वो बातें उनको सुन करके अखबारों को, मीडिया को, अच्छा मीडिया और अखबार को कृपा करके ठीक इससे सतर्क रहिए, ये सतर्क रहिए इससे, इसमें भी बड़ी गंदगी घुस गई है। अब बाकी देश के नेता तो नहीं बोलते, लेकिन हम इसके बारे में कहते हैं कि भाई इसको बहुत बारीकी से पढ़ो, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो इसमें लिखा है उससे उल्टा कर लो, तो आप सही बात आपको पता लग जाएगी, बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। सब नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन वो गेहूं में घुन है। और आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे समय नहीं है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और आप सबका और जैन साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं।